तो भतीजो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हमारे गेम में एक छोटी सी लड़की आ चुकी है एंड इस लड़की को हमें बचाना होगा क्योंकि ये बेचारी खो चुकी है अपने घर से। ये एक ऐसी जगह आ फंसी है जहां से ये निकल नहीं पा रही है एंड ये जगह मुझे मालूम है कहां पे है। ये वाली जगह मैंने कहीं देखी जरूर है। तो सबसे पहले तो हमारा टास्क है कि हम इस लड़की को बचाकर अपने घर पे लाएं एंड पता लगाएं कि ये लड़की कहां से आई है एंड इसको इसके घर पर छोड़ के आए। तो भतीजो बिना किसी देरी के हम जल्दी से इसके पास चलते हैं। वैसे हम थार से जाने वाले थे पर मैं अभी फॉर्च्यूनर से ही चलता हूँ क्योंकि गाइस यार आज व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो व्हाइट फॉर्च्यूनर में चलेंगे एकदम मैचिंग मैचिंग। तो भतीजो ये जगह मुझे पता है कहाँ पर है। जब हम लोग अपने ओल्ड वाले हाउस में रहते थे तब ये जगह मुझे देखने को मिल जाती थी लेकिन जब से इस नए वाले घर में आए हैं तब से ये जगह पता नहीं होगी। लेकिन और भतीजो आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी छोटी लड़की गेम में आई कैसे। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये लड़की एक लिलीपुट गांव से आई है। लिलीपुट गांव में बहुत सारे छोटे छोटे लोग होते हैं जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। एंड ये देखो हमारा पुराना वाला घर आ चुका है भाई। इससे तो अलग ही फीलिंग जुड़ी है हमारी। वैसे गाइस मैंने इस घर का मॉडिफिकेशन भी किया था जो कि नए अपडेट के बाद वापस से वैसा हो गया। अगर आपको वो मॉडिफिकेशन देखना है तो चैनल पे जाके देख सकते हो। बाय द वे गाइस वो लोकेशन अब ज्यादा दूर नहीं। हम आ चुके हैं उस रेड कलर के पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर के पास। वो किसी बिल्डिंग के पास है इतना तो मुझे पता है एंड वो जो है ना वो बिल्डिंग किसी कॉर्नर बिल्डिंग क्या यहाँ पर नहीं है शायद गाइस वो यार यहीं कहीं पर था। रुको मैं जरा अभी दिखाता हूँ। उसके साइड में कुछ घर वगैरह भी थे मतलब कि कुछ झोपड़ी वगैरह भी तो वो शायद सामने ही की तरफ होगा। एंड नाउ कुछ घर तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक वो लोकेशन दिख गई गाइस यही है भतीजो यही है। एंड इसमें वो लड़की बेचारी फंसी हुई है। हम इसको जल्दी से बचा लेते हैं एंड इसको अपने घर पर ले चलते हैं। एंड हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कोई कोई इसे देख ना ले वरना यह लफड़ा हो जाएगा। जल्दी से हमने अपनी गाड़ी की खिड़की खोल दी है एंड इसको इसमें बैठा लेते हैं। नाउ गाइस लड़की बैठ चुकी है पर उसने गाड़ी की खिड़की नहीं बंद की कोई बात नहीं। तो जल्दी से अभी हम अपने घर पे चलते हैं एंड फिर इससे बातचीत करके पता लगाते हैं कि ये कैसे आ गई हमारे मैप में यार। भतीजो एक चीज और बता दूं कि पहले मैं अपना नया घर नहीं ढूंढ पाता था लेकिन अब हम अपने पुराने घर से अपना नया घर आसानी से ढूंढ लेते हैं क्योंकि पुराना घर इस तरफ है। इसी वाली रोड पे जब हम लोग राइट मोड़ जाते हैं हमारा नया घर एयरपोर्ट के जस्ट अपोजिट साइड में उल्टी तरफ। तो फाइनली गाइस हम अपने घर पर आ चुके हैं एंड अभी हम जल्दी से इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं अपने घर में एंड उसके बाद हम इस लड़की को बाहर निकालते हैं। नाउ अभी हमने उस लड़की को बाहर निकाल दिया है एंड उसको टेबल पर बैठा दिया है। अभी अपनी गाड़ी को बाहर निकाल कर यहाँ खड़ा कर देते हैं एंड हम तब तक आपको उसको दिखा देते हैं। नाउ गाइस देखिए ये लड़की कितनी छोटी है एक कप से भी छोटी है। कप के उस तरफ है यही है गाइस। इतनी छोटी लड़की आपने कभी नहीं देखी होगी एंड ये देखिए गाइस एकदम से ये तो कतई छोटी है यार। देखने में कितना मजा आ रहा है। एंड गाइस मैं एक चीज आपको बताना ही भूल गया कि मैं जब लड़की को लेने गया तो हमें एक रास्ते में एक छोटा लड़का भी मिल गया था। वो चीज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए वो ये रहा इस गमले के पीछे एंड ये भी कितना छोटा है यार। इन दोनों को हम बचा के अपने घर पर ले आए हैं और अगली वीडियो में हम इन दोनों को इनके घर पर छोड़ के आएंगे। वैसे गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।